बाप बेटे में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो के 90 रोज में इलेक्शन के मुतालबे को रद्द कर दिया। आराम नाल घर बहो ते निगरान हुकूमत नु काम करन दियो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुद्दत खत्म होने और नए चीफ जस्टिस के आने के बाद नवाज शरीफ भी वापस आने के लिए कमर कस रहे हैं। नायब तरामीम का फैसला भी महफूज हो चुका है। ये किसके लिए स्वीट होगा, किसके लिए बेटर होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान वाज़ेह इख्तलाफात सामने आया है। एक तरफ बिलावल भुट्टो 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा करते नजर आए, मगर आसिफ जरदारी ने बिलावल के 90 रोज के मुतालबे को ही रद्द कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा है कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है और कहा कि इलेक्शन कमीशन आयन के मुताबिक इलेक्शन करवाए और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। यानी बिलावल भुट्टो के बयान को आसिफ जरदारी ने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। इससे एक बात तो वाजे हो गई है कि पीपल्स पार्टी के सारे रहनुमा बशमूल बिलावल भुट्टो चाहे जो मर्जी कहते रहे, पार्टी में मर्जी आसिफ जरदारी यही की चलेगी। बजाहिर तो उन्होंने को चेयरमैन की पोजीशन ली है, लेकिन स्टेयरिंग व्हील पर हमें स्टेयरिंग के ऊपर हमेशा से आसिफ जरदारी ही चलते हैं और उन्हीं की चलती है। हमने आपको पहले ही कहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जल्द इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि जल्द इलेक्शन की सूरत में आसिफ जरदारी को नतीजा दीवार पर लिखा नजर आ रहा है और एक तरह से आसिफ जरदारी ने सारी पार्टी को शटअप कॉल भी दी है कि आराम नाल घर बह जाओ तो निगरान हुकूमत तुम काम करन दो। हम आपको यहां यह भी बताते चले कि सिंध में क्रैक डाउन भी शुरू हुआ है और खबरें सामने आई हैं कि एफआईए इमिग्रेशन के स्टॉप लिस्ट में साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बाद करीबी साथियों और अफसरान के नाम भी शामिल हैं। स्टॉप लिस्ट में हुकूमत में शामिल सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान शामिल हैं। इसके साथ स्टॉप लिस्ट में ताजर, बिल्डर और सनतकारों के नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिस्ट में माली बदउनवानी, टैक्स चोरी, हवाला और हुंडी के कारोबार से मुंसलिक शख्सियात, करंसी, चीनी और पेट्रोलियम की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के नाम भी शामिल है। तो बिलावल भुट्टो की तरफ से अचानक 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा और फिर आसिफ जरदारी की तरफ से इसके खिलाफ बयान आना भी इन खबरों के तनाजुर में देखा जा सकता है। यानी आसिफ जरदारी नहीं चाहते हैं कि फिर से इनके खिलाफ नए कट्टे खोले जाएं और पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ घेरा तंग हो। और फिर आसिफ जरदारी तो मुफाहमत के माहिर हैं, बल्कि समझदारी के माहिर हैं कि इस हालात के अंदर क्यों पंगा लेना। आसिफ जरदारी ने इस हवाले से भी वाजे बयान दिया है और कहा है कि निगरान हुकूमत खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल या स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है, जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। वैसे जरदारी साहब, ये वक्त भी आपकी सियासत चलने का नहीं और ना ही नून लीग की सियासत का है, तो हालात के हिसाब से आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। मुल्क में इससे सारी तवज्जो मईशत पर ही देनी चाहिए। इससे पहले सदर आरिफ अलवी को भी 90 रोज में इलेक्शन आया हुआ था, जोर से आया हुआ था। इलेक्शन कमीशन के इनकार के बाद तो यह खबरें भी आई थी कि सदर आरिफ अलवी जनरल इलेक्शन की तारीख देने जा रहे थे और फिर कुछ शख्सियात की सदर पाकिस्तान से मुलाकात की खबरें भी आई थी, जिसके बाद सदर साहब भी खामोश होकर बैठ गए और अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद निगरान सदर के तौर पर भी मजे लूट रहे हैं। तो आसिफ जरदारी की तरफ से तो वाजे बयान आ चुका है कि वह इलेक्शन नहीं चाहते और अब नवाज शरीफ भी अगले महीने तक पाकिस्तान आने का इशारा दे चुके हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। और सुना है कि लाखों लोगों को तैयार भी किया जा रहा है वो मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएं, और ये लोग बिरयानी और पेप्सी पर तो राजी नहीं होंगे। अब तो नून लीग को लोगों को बाहर लाने के लिए कम अज कम इनके 2-2 महीने के बिजली के बिल अदा करने पड़ेंगे, तभी लोग मियां साहब का इस्तकबाल करने आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर करेंगे क्या? क्या वो आकर जलसे करेंगे, सियासत करेंगे, या फिर जाती उम्र में बैठकर एयरोस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, इंटरव्यूज देंगे? क्योंकि जिस तरह से पीडीएम ने आवाम को रगड़ा लगाया और जो हाल बिजली के बिलों और महंगाई ने आवाम का कर दिया,
और फिर चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया और कहा है कि ये स्वीट फैसला होगा। अगर ये स्वीट फैसला होगा, यह फैसला ये हुआ कि नैब तरामीम को खिलाफ आइन या कानून करार दे दिया तो फिर क्या होगा? तो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ समेत जिस ने भी नैब तरामीम से फायदा उठाया और मुकदमे और रेफरेंसेस खत्म करवाए, सब फिर से नैब के रेडार के नीचे होंगे, यानी सब फिर से मुल्जिम बन जाएंगे। लेकिन शायद मियां साहब को लगता है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के बाद हालात इनके लिए मुआफिक हो जाएंगे। आप देखते हैं कि नैब तरामीम पर फैसला क्या आता है, किसके लिए बेटर होगा और किसके लिए स्वीट। और रही बात मियां साहब के वापस आने की, तो इससे पहले भी वो पाकिस्तान वापस आने की तारीखें देते रहे मगर नहीं आते थे। इस बार वो क्या करते हैं जल्द पता चल जाएगा।